अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मोहतरम नाज़रीन, माह शाबान की 15वीं रात बहुत फजीलत वाली रात है। अहादीस मुबारका में उसके बहुत से फजाइल वारिद हुए हैं और असलाफ उम्मत भी उसके फजीलत के कायल चले आ रहे हैं। उसको शब बरात कहते हैं इसलिए कि इस रात लातादाद इंसान रहमत बारी ताला से जहन्नम से नजात हासिल करते हैं। शब बरात के मुतालिक लोग अफरात व तफरीत का शिकार हैं। बास तो वो है जो सिरे से उसकी फजीलत के कायल ही नहीं बल्कि उसकी फजीलत में जो अहादीस मरवी हैं उन्हें मनगढ़ंत करार देते हैं, जबकि बास फजीलत के कायल तो हैं लेकिन उस फजीलत के हुसूल में बेशुमार बिदआत रसूमात और मनगढ़ंत कामों में मुलव्विस हैं। इबादत के नाम पर ऐसे ऐसे बिदआत करते हैं कि अल्लाह की पनाह। तो दोस्तों, आज हम उन्हीं 11 बिदआत को बयान करेंगे और जानेंगे जो हमारे मुआशरे के अंदर बहुत तेज़ी से फैल रही है और लोगों को उसका इल्म ना होने की वजह से उसको सवाब समझकर करते हैं, इबादत समझकर करते हैं। वो 11 बिदआत ये हैं। नंबर 1, गुस्ल को बाइस फजीलत और ज़रूरी समझना, ये बिदात है। नंबर 2, सारी रात जागने को ज़रूरी तसव्वुर करना, सारी रात जागना ज़रूरी नहीं। जितनी तौफीक अल्लाह ने आपको दी है उतनी इबादत कीजिए, तिलावत कीजिए, ज़िक्र अजकार कीजिए, नमाज पढ़िए और नींद आए तो सो जाइए, पूरी रात का जागना ज़रूरी नहीं है। 3, नंबर चंद इबादत को मखसूस करना जैसे हज़ारी नमाज। 4, इनफरादी इबादात को इज्तिमाई शक्ल में तब्दील करना जैसे सलात तस्बीह वगैरह। दोस्तों, सलात तस्बीह सिर्फ शब बरात में पढ़ना ज़रूरी नहीं। कुछ लोग समझते हैं कि सिर्फ जागने की रात में या जो भी रात आती है जैसे शब कद्र हो गया, शब मेराज, इसके अंदर ही सलात तस्बीह की नमाज़ पढ़ी जाती है। ऐसी बात नहीं है, हम और आम दिनों के अंदर भी सलात तस्बीह की नमाज़ की पाबंदी कर सकते हैं। 5, मर्दों और औरतों का एक साथ दीनी इज्तिमा करना, ये भी सरासर गलत है और एक बिदात है। 6, हलवे के बनाने को ज़रूरी समझना, ये बिदात हमारे मुआशरे के अंदर बड़ी तेज़ी से फैलती जा रही है। अगर कोई हलवा ना पकाए तो लोग उसको ताना देते हैं, चाहे इबादत करे ना करे लेकिन हलवा पकाना ज़रूरी है। ये बहुत बड़ी बिदत हमारे मुआशरे के अंदर फैल गई है और इससे बचने की ज़रूरत है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। 7, आतिशबाजी और चरागा करना, अक्सर जगहों पे देखा जाता है कि लोग मस्जिदों को सजाते हैं, चरागा करते हैं, गलियों को रोशन करते हैं, यह भी एक बिदात है, इसका भी कहीं से कोई सबूत नहीं मिलता। 8, बेवा खवातीन का अपने मुर्दा खाविंदों के लिए बन सवर कर बैठना, यह भी एक बिदात है। इस मुतालिक हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, लिंक इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, आप तफसीली गुफ्तगू वहाँ पर सुन सकते हैं कि मुर्दों के घरों के अंदर एंट्री नहीं होती, मुर्दे वापस घर में नहीं आते। 9, मुर्दों की रूहों के आराम के लिए घरों में बिस्तर लगाना। 10, कब्रिस्तान जाने को ज़रूरी समझना, जी आजकल लोग कब्रिस्तान जाने को ज़रूरी समझते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी ज़िंदगी में एक मर्तबा कब्रिस्तान तशरीफ़ ले गए, वो भी रात में चुपके से गए, किसी को साथ लेकर नहीं गए। अगर आपको जाना है तो अकेले जाएं, साथ में मजमे को लेकर या दोस्त अहबाब के साथ शोर गुल मचाते हुए जाने की फ़िज़ा बिल्कुल भी ना बनाएँ और इससे खुद भी बचें और अपने दोस्त अहबाब को भी इससे बचाएँ। और 11 पर है, एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करना, शब बरात की मुबारकबाद, शब कद्र, शब मेराज की मुबारकबाद पेश करना, ये भी कहीं से साबित नहीं है और ये एक बिदात है। ये 11 बिदात थी जो कि हमारे मुआशरे के अंदर बड़े तेज़ी से इसका रिवाज आम होता जा रहा है, लोग इसको इबादत समझकर करते हैं। अल्लाह पाक से दुआ करें, अल्लाह पाक हम सबको ऐसी तमाम बिदातों से हिफाजत फरमाए, आमीन। दोस्तों,
इस वीडियो के मुतालिक आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने घर वालों का खूब ख्याल रखें, हमें भी दुआओं में याद फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और अपनी राय का इजहार कमेंट में ज़रूर करें।